हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। आज की वीडियो में अगर बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी की, जहां मार्केट सेंटीमेंट्स हमें आज के दिन में नेगेटिव देखने को मिले, निफ्टी में अच्छी खासी 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, फिर भी केपीआई ग्रीन एनर्जी ने 5.5% के आसपास का उछाल दिखाया है और उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह भी है, वो भी मैं बताऊंगा। आज के दिन की जो क्लोजिंग रही 28.40 रुपये की बढ़त के साथ में 565 रुपये पर जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी, जहाँ कल की क्लोजिंग 536 रुपये पर हमें देखने को मिली थी। 5 दिन के अंदर 12% की शानदार तेजी है स्टॉक के अंदर, 1 महीने के अंदर 18% का जंप आ चुका है, 6 महीने में 25% की तेजी है, 1 साल में 88% की रिटर्न्स बनाकर दी। और यहाँ पे कंपनी ने बोनस प्लस स्प्लिट दोनों ही अनाउंस किए थे, ये रिट्रेसमेंट प्राइस है उसका। और साथ ही साथ में अगर आप इसके मैक्सिमम रिटर्न्स को देखेंगे तो 113% के आसपास तक के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग है अगर प्राइस एडजस्टमेंट चार्ट के बाद देखें तो 29 अप्रैल 2022 को 264 रुपये के आसपास का ये शेयर हमें प्राइस एडजस्टमेंट चार्ट के बाद देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो लगातार इंप्रूव हो रही है, और ग्रीन एनर्जी का नाम आया है तो आप समझ सकते हैं कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है, जिसका पीक अभी आना बाकी है आने वाले टाइम में। तेजी के पीछे की वजह देखें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी गेट्स LOI 440 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात, और द कैपेसिटी इंक्लूड्स 21.50 मेगावाट विंड एंड 18.5 मेगावाट सोलर, द कंपनी सेड इन अ रेगुलेटरी फीलिंग। तो काफी बड़ा अपडेट है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी ऑन वेडनेसडे सेड इट हैज गॉट अ लॉट लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम ए प्राइवेट प्लेयर टू डेवलप ए 40 मेगावाट हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन गुजरात। द कैपेसिटी इंक्लूड्स 21.50 मेगावाट विंड पावर एंड 18.5 मेगावाट सोलर, द कंपनी सेट इन रेगुलेटरी फिलिंग। और केपीआई ग्रीन हैज रिसीव्ड इन न्यू लार्जेस्ट सिंगल LOI, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट ऑफ 40 मेगावाट कैपेसिटी फ्रॉम अनुपम रसायन इंडिया, सूरत अंडर कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर बिजनेस सेगमेंट ऑफ द कंपनी इट सेड। और साथ ही साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है एक शोकेसिंग कर रही है कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में केपीआई ग्रीन हमें देखने को मिल रही है। तो काफी बड़ा अपडेट है, एक तरीके से काफी तेजी जो है उम्मीद की जा रही है कि केपीआई ग्रीन के अंदर हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2022 के अंदर लिस्टिंग, रिटर्न ऑन कैपिटल 24.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 53.4% का, फेस वैल्यू स्टॉक की 10 है, यानी कि अभी भी इन फ्यूचर स्टॉक जो है कंपनी स्प्लिट देने की कंडीशन में अभी भी देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो जहां जून 2020 के जो थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 करोड़, वो आज बढ़कर 54 करोड़ के आसपास का हो चुका, तो लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 30% के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर रिजर्व की बात करें तो 222 करोड़ के रिजर्व हो चुके हैं, टोटल लायबिलिटीज जो है ऑलमोस्ट 1255 करोड़, कर्जा भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, 676 करोड़ के आसपास का हो चुका है। और साथ में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का स्टेक जो है 54.81% देखने को मिल रहा है, FII का स्टेक इंक्रीज हुआ है, और पब्लिक का स्टेक जो है Q4 के अंदर हमें हल्का सा डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूं, और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव मार्केट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूं, जिससे टेक्निकल्स को समझने में आपको काफ़ी आसानी होती है। बात अगर अडानी टोटल गैस की करें तो प्रीवियस क्लोजिंग जहां 670 रुपये 90 पैसे पे थी, और आज की क्लोजिंग भी एज इट इज सेम प्राइस पे देखने को मिली है, ओपनिंग गैप अप देखने को मिली। 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो 2.5% की गिरावट हो चुकी है, 1 महीने के अंदर 20% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और 6 महीने में ये स्टॉक 81% तक टूट चुका है। ऑलमोस्ट 4000 रुपये का स्टॉक आज 670 रुपये पे आप लोगों को ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका जो मेन गिरावट का वजह रही है वो है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, जिसमें जो एलिगेशंस लगे। अब यहाँ पे देखिए, अडानी ग्रुप को इसीलिए बोला जाता है कि काफ़ी रिस्की है, और क्योंकि इसके ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और बाकी शेयर्स में अच्छा उछाल देखने को मिला, लेकिन अडानी टोटल गैस के अंदर कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो अभी 86% के रिटर्न्स है, क्योंकि यहां से देखिए स्टॉक भागना स्टार्ट किया, लगातार भागता ही गया, और ये चीज़ आपको पता है कि जो स्टॉक भागता ही रहता है वो गिरता भी इसी तरीके से, और वही चीज़ यहाँ पे अडानी टोटल गैस पे खरी उतर रही है।
तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने स्टॉक को उस टाइम बाई किया था तो एक सिंगल ऑप्शन वही बचता आपके पास कि अगर किसी ने 2500-3000-4000 रुपये के आसपास के लेवल पर बाई किया, अच्छा खासा नुकसान उसको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा, लेकिन लॉस में बेचने से अच्छा है कि उसको लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सके, और एक यही बेस्ट ऑप्शन बचता है। अदरवाइज आप अगर लॉस बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो 73,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन कैपिटल 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, और हाई देखें तो 4000 रुपये का हाई, और 52-week low देखें तो 633 रुपये का देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो 195 करोड़ का क्वार्टर फोर के अंदर प्रॉफिट रहा, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर यानी कि 131 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन स्टॉक में कोई बढ़त नहीं देखने को मिल रही है। 5645 करोड़ के ही टोटल एसेट्स है कंपनी के पास, जबकि इसका मार्केट कैप जो है 73,000 करोड़ के आसपास का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बोरिंग्स भी 1422 करोड़ के आसपास की है। प्रमोटर का स्टेक देखें तो एज इट इज है 74.80%, FII का स्टेक डिक्रीज हुआ, म्यूचुअल फंड्स का स्टेक इंक्रीज, और पब्लिक का स्टेक भी हमें क्वार्टर फोर के अंदर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है अडानी टोटल गैस में। अब बात कर लेते हैं फिनोटेक्स केमिकल की, जिसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 314 रुपये में स्टॉक आ चुका है, 400 रुपये का स्टॉक हमें 220 रुपये के भाव में भी बिकता हुआ देखने को मिला। रिस्की स्टॉक है क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब का है। 5 दिन के अंदर 2% की गिरावट, लेकिन 1 महीने में 23% का जंप देख चुके हैं, 6 महीने में 3.5%, और मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे आप इस कंपनी के तो 1230% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं ऑलमोस्ट 7 साल के सफर में। ये अच्छा मोमेंटम आया था कब, जब कोविड के बाद से एक अच्छा मोमेंटम आया, ऑलमोस्ट अच्छे खासे 400 रुपये के लेवल पे गया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, नेगेटिव सेंटीमेंट्स आए मार्केट के अंदर 2022 में, और स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं गुलशन पॉलिस लिमिटेड की, जिसके अंदर आज 3% के आसपास की तेजी रही, 280 रुपये पे जाके क्लोजिंग रही। एक साल का डाटा देखें आप इस कंपनी का, 24% की रिटर्न्स है, मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो 563% की रिटर्न कंपनी बनाकर दे चुकी है। और कंपनी की तरफ से ऐसे में एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है बोनस के रिगार्डिंग, 1:5 के रेशियो में, यानी कि 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स के बदले आपको एक बोनस शेयर इस कंपनी का मिलने वाला है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और इसी महीने इसकी रिकॉर्ड डेट भी है।